हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं स्पेशल हम घूमने आए हैं तारागढ़, जो मंडला के नज़दीकी में काफ़ी पड़ता है। और इस जगह का जो काफ़ी अच्छा सुंदर लुक है, काफ़ी अच्छा रोमांटिक जगह है जो घूमने लायक है, मस्त देखने लायक नज़ारा है। इस जगह में हम देखते हैं, जब भी इस जगह में देखने लायक जो चीज़ है तो वो है पत्थर। और जो इस जगह में जो पुराने ज़माने के पत्थर हैं, काफ़ी रहस्यमय पत्थर हैं। और साइड ही में, तो साइड में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं रहस्यमय कुंड के पास में, क्योंकि इस जगह का जो कुंड है, जो मेन रहस्य है, वो यही जगह है। और इस जगह पे जो कुंड देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इस कुंड में बोलते हैं कि इस जगह का जो पानी है वो कभी समाप्त होता नहीं। तो ऐसे बहुत से ऐसे जगहें हैं इस जगह में, ऐसे बहुत से स्थान हैं जो काफ़ी अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तारागढ़, और देख सकते हैं ये साइड में हमारी गाड़ी खड़ी है और हम आगे की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आप बने रहिए। और देख सकते हैं यहाँ का लुक नज़ारा है इस जगह में, काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, पेड़ पौधे लगे हैं। और हम आगे की ओर बढ़ते, तो दोस्तों अब यहाँ से देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है जो मेन व्यू है, जो मेन स्थान है वो एक तो हम देख सकते हैं यहीं से। ये जो कुंड देख रहे हैं दोस्तों आप, ये यज्ञ कुंड बताया जाता है, जो पुराने ज़माने में इस जगह में, इस स्थान में यज्ञ किया जाता था। और हम देख सकते हैं इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर लुक है। और राइट साइड का जो पत्थरों का देख सकते हैं, जो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग ही दिख रहा है। देख सकते हैं पूरा जहाँ तक नज़र जाएगा वहीं तक ही पत्थर नज़र आएंगे आपको, क्योंकि इस जगह का नाम ही है तारागढ़। और वाकई में काफ़ी अच्छा सुंदर लुक है जो हम आपको आगे भी दिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं तो हम देख सकते हैं इस जगह में बताया जाता है कि इस जगह में महल था, लेकिन वो अभी टूट चुका है। तो इस जगह में सिर्फ पत्थर ही नज़र आएंगे आपको, क्योंकि हम देख सकते हैं इस जगह में बताया जाता है कि रानी जो दुर्गावती जो रानी थी, वो इस जगह में अक्सर आया जाया करते थे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हर पत्थर का एक अपना ही अलग ही है। आगे बने रहिए आप वीडियो में, आगे आपको even if you dream and fall, but the mountains still
देख रहे हैं इसमें जो पानी है कारीगर ही नहीं रहा जो ऐसा डिजाइन दे सके। देख Yeah.
पानी है, ये पानी कभी समाप्त होता नहीं। तो दोस्तों आप भी एक बार जरूर आके इस जगह में देखिए, जो इस जगह का जो मेन नज़ारा है जो अपने ओर आकर्षित कर। तो दोस्तों ये जगह कैसा लगा, इस स्थान कैसा लगा जो काफ़ी रोमांटिक जगह था। तो दोस्तों ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इस जगह में महल था और यही जो मेन जगह है आप पीछे देख सकते हैं। एक भाई आशीष पढ़ते हैं, वो मेरे साथ में है जो अभी वीडियो बना रहे हैं। और देखते हैं इस जगह का जो मेन स्थान है वो यही स्थान है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसी जगह में महल था और इसी जगह में हम देखते हैं राजा हृदय शाह, रानी दुर्गावती इस जगह में आया जाया करते थे। तो इसी जगह में महल था और ये जो पत्थर आप काफ़ी देख रहे हैं, ये टूट के बिखर के पड़े हैं, ये देखते हैं। यहाँ भी कुछ पत्थर हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, ये सुंदर लुक है। इसी जगह में ये पत्थर सब महल के हैं जो अभी कुछ काफ़ी उनको जमा चुके हैं, जमा के रख चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। स्पेशल तारागढ़ आप भी घूमना आना ज़रूर, क्योंकि इस जगह का एक लुक है, ये इस जगह का जो पत्थर है, जो रहस्यमय जगह है, जो अपने ओर आकर्षित करती है, हर एक पत्थर अपने ओर आकर्षित करती है। तो ज़रूर आप भी आइए और इस जगह का आनंद लीजिए, इस जगह का घूम के इस रहस्यमय जगह को ज़रूर घूमिए। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये जगह, कैसा लगा ये स्थान। तो कैसा लगा इस जगह का नज़ारा तारागढ़ का, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप वीडियो में देख ही चुके होंगे कि किस तरह यहाँ का सुंदर नज़ारा था, रोमांटिक जगह था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। ओके दोस्तों।